Assalamu alaikum, mustama'in, masa al khair. Hi, hello, marhaban bikum, ahlan wa sahlan, marhaba. Bakhair aghle, khoshan ki aur shuk sna sakuri bhali kare ayo. Har kade ayo, khush amadi, ji aya no, sab basn lala, jolun. Banjar chao, ni hao and welcome. Yes, you put a smile on your face and have a very, very nice evening. आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. I hope so कि जी आज का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा. और जी especially आज वैसे भी 23rd मार्च और साथ में हमारी यानी कि जी पावर 99 की 15th बर्थडे एंड सुबह से जो ट्रांसमिशन चल रही थी वो सबने इंजॉय की. सबके फीडबैक्स यहाँ पे मौजूद हैं और जी हम सब ने इंजॉय किया. आई होप सो कि जी जो अब हमारे लिसनर सुन रहे हैं वो भी इंजॉय करेंगे. खैर मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रन अला कबूली सबती बादल इस्तमाई. मेरा जो ये साथ है आपके साथ रहेगा जी 11 बजे तक जो कि हमेशा रहता है हर फ्राइडे और हर संडे. So this is a weekend hangama, but especially हम जो लेके आ रहे हैं ये transmission है 23rd March के हवाले से. और जी साथ साथ हम अपने FM की Power 99 की 15th birthday भी मना रहे हैं. खैर जी आपसे बातचीत होती रहेगी और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जहाँ जहाँ से भी आपने हमें tune किया हुआ है चाहे हम मौजूद है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोटा, मुल्तान, एबटाबाद, बिहारी, मरीनो, शराबा, केंट, टकसला, मर्दान, हरिपुर, हवेलियां, सवाबिया, टकथर, तखलील विलेज, खारी, जलहम, नगी, मरवत, तलागंज, चकवाल, कलकाहार, मुनारा विलेज, गुजरखान, गुजरात, गुजरावाला में सरगोदा, खुशाब, कहूटा, मियाँ वाली, फालियां, सखर, बहावलपुर, बहावल नगर, ये खांडी जी खान, रही मियाँ खान, छिनी, ओट, रवाद, बसाली, हंगू, जंग, बनू, सैदपुर, विलेज, सियालकोट, तरबेला, खानपुर, खानेमा, लोधरा, अहमदपुर, कोटली, आजाद कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान में गर्ज, पंजाब, सिंध, केपी के बलोचिस्तान, देश पर देश, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, शहर में या गांव में, सुख में या दुख में ड्राइव कर रहे हैं तो हैव अ सेफ जर्नी. बेटर लेट देन नेवर. अगर आज है आपकी सालगिरह तो अल अदीद वल अदीद मिन वाइदी साहिदतन अल यौम. और जी मेरे पास कुछ फीडबैक्स आपके पहले से ही आ रहे हैं कि जी अभी तक आप वैसे ही हैं सुबह से लेकर बिल्कुल जी. हम कौन सा वापस चले गए घर और उधर से वापस आए. बिल्कुल जी सुबह से हम यहाँ पे आपके साथ यानी कि दिन 3 बजे से लेके अभी तक आपके साथ साथ. نرحب بكم من أي مكان تسمعون مرحبا مبروك لكم الحظ المساء الجميل. www.facebook.com/powerradio99 पे आप हमें देख रहे हैं सुन भी रहे हैं और ऑडियो स्ट्रीमिंग आप हमारी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पे. That is www.power99.live. और जी हमें कॉल भी कर सकते हैं. आपकी कॉल्स हम पिक करेंगे 0511-111-00-9999 से. ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल्स पिक करेंगे आपके फीडबैक शामिल करेंगे आज के दिन. साथ साथ आपसे मैं आज के दिन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी. सो बी प्रिपेयर्ड. ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको जो हैं वो आज के दिन मैं कोई सवाल ना करूं या कोई फन क्रिएट ना करूं. सो स्टे ट्यून्ड. और जी कॉल कीजिए 0511-111-00-9999 पे. हमारे साथ कौन है हम चेक करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम हया खान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. हमारे साथ कौन और कहाँ से? शहजाद भट्ट बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से. तो शहजाद क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है. अच्छा तो बहुत कुछ में कुछ कह दे. लेकिन जो असल बात करने की है ना, आप पहले सेगमेंट में फरमा रही थी जो पहला घंटा गुजरा है कि हम छुट्टी क्यों करते हैं. जी बिल्कुल यही फरमा रही थी ना आप. बिल्कुल मैं यही कह रही थी. तो उसका तो जवाब ये है कि पुराने से बाबे गोल मेज के गिद इकट्ठे हो गए, पुरानी शेरवानियां पहन के हाथों में वो लाठियां पकड़ के मेरे और आपके लिए एक जमीन के ऐसे टुकड़े की कोशिश करने के लिए जमा हुए थे जिसका नाम आज पाकिस्तान है. जी बिल्कुल बेशक. तो इसी पाकिस्तान में आप बैठ के हमसे सवाल कर रही हैं कि आज हम छुट्टी क्यों करते हैं.
सही, ताकि जिनको नहीं भी पता ना उनको भी शहजाद पता चल जाए। जी जी मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपकी बात, लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आप। ठीक हो गया। तो बात यह है कि एक तो तजदीद अहद का दिन है ये हमारा, सही हो गया। दूसरा ये है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें पाकिस्तान के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, बहुत सी कुर्बानियां दी। बिल्कुल ठीक कहा। और आप यकीन करें कि हमारी जो, मेरी तो 40 ईयर्स है, मैं तो नई नस्ल में आता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो 40 ईयर्स का हो गया हूँ। Right. तो अब जो नई नस्ल है, मेरे ख्याल में आपका जो मीडियम है, प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, Right. वो दूसरे हो गए सारे मीडियम, इनमें इन सबको मैडम ये जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान का हसूल किस तरह से मुमकिन हुआ। जी बिल्कुल। जो कुर्बानियां दी गई, जो हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, जिन्होंने इज्जतें बचाने की खातिर कुओं में पानी में छलांगे लगा दी। तो क्योंकि जब हम 14 अगस्त मनाते हैं ना, तो बड़े शौक से अगला पहिया उठा के मोटरसाइकिल का और पुल के ऊपर पूरा सारे पाकिस्तान को दिखा रहे होते हैं कि जी देखे हम में ये क्वालिटी है। तो ये चीज जो है ना, नौजवान नस्ल को जरूर बतानी चाहिए, ताकि क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि हम पाकिस्तान को इसलिए हासिल कर रहे हैं कि ये इस्लाम की तजर्बागाह बने। बिल्कुल। लेकिन इसको तजर्बागाह बनाने वाले जो मुल्ला हैं, वो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के एक दूसरे के खिलाफ कुफ्र के फतवे लगाते हैं। आप ये देखें कि कायदे आज़म की रूह तड़प नहीं जाती होगी इस तरह की चीजें देख के या महसूस करके? यकीनन उनकी रूह तड़पती होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो कभी मरते नहीं है, ये पक्की बात है। राइट, सही हो गया। आप इधर बैठे हुए हैं, आपके मुंह से जो अच्छे हल्का बाज निकल रहे हैं, आप इधर आने से पहले क्या थी आपको कोई जानता नहीं था। आपने पावर 99 ने आपको शिनाख्त दी है। जी। पावर 99 की शिनाख्त पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान और पावर 99 ने मिलके आपको शिनाख्त दी है, और आप माशाल्लाह सब लोग आपको जानते हैं कि हया खान आरजे हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। तो हया खान आपके दोस्तों से अच्छी बातें इस तरह की जानी चाहिए कि ताकि आपकी कुलीग्स और आपकी नई नस्ल को जो है ना अच्छा पैगाम जाए और उनको पता चले कि हमने क्या कुर्बानियां दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलें, मैं तो पढ़ता रहता हूँ अखबारों में, कॉलम में, सब कुछ पढ़ता रहता हूँ। आज वो रजा अली अब्दी साहब हैं, कॉलमिस्ट हैं जी, तो वो उन्होंने मतलब ये बच्चों के हवाले से कुछ शेर लिखा था, मेरे जेन से स्लिप कर गया, लेकिन वो बच्चों का जो बारी बारी बैग उठा के स्कूलों में जाते हैं ना, उनके हवाले से उन्होंने शेर लिखा था, वो बड़ा प्यारा शेर था, मुझे स्लिप कर गया वरना मैं आपको सुनाता। तो बात करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ झलकियां, तस्वीरी झलकियां भी हो जाए, मूवीज की सूरत में भी हो जाए, जिससे हमारी नौजवान नस्ल मतलब इबरत हासिल करे। Right. यार हमें अगला पहिया उठा के मोटरसाइकिल नहीं चलाना, कोई ऐसा काम करना है जिससे मतलब दूसरों को फायदा हो। सही कहा आपने। तो मैंने तो सही कहा है, आप भी कुछ फरमाए ना। मैं आपकी बात सुन के ही फरमा सकती हूँ ना, एक वक्त में एक ही बोल। जी जी मैं खत्म कर चुका हूँ। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और आपने बहुत ही अच्छा सा ये एक पैगाम दिया है सबको, अपना ख्याल रखिएगा। तो जी हमारे साथ शहजाद थे, और शहजाद कुछ बातें जो करके गए हैं, बहुत ही अच्छा एक पैगाम उन्होंने दिया है। तो जाहिर हम सबको मालूम है, लेकिन अक्सर बाज़ औक़ात हम उसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। खैर, हम आपके कुछ यहाँ पे फीडबैक्स पढ़ते हैं, और जिसमें आपने मुख्तलिफ मैसेजेस हमें सेंड किए हुए हैं, तो साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम पिक कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0511100999 पे। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नोमान फिदा, और नोमान फिदा क्या कहना चाह रहे हैं जी, आज पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, असद सईद कहते हैं कि जी कभी परचम पे लिपटे ये वाला भी ट्रैक ज़रूर प्ले कीजिएगा। मीर अरफात कहते हैं कि जी आप, हमने कश्मीर से आपको ट्यून किया हुआ, जम्मू कश्मीर से ट्यून किया हुआ। थैंक यू सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।